Hi, I am Sayyed Rashid from Ahle Bait High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel name as Ahle Bait High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. We are just continuing our class 9th physics chemistry and one of our next chapter, and the chapter name as you can see on the board is floating body. So hope you have done well with the structures like atoms, molecules and chemical equations. And we have one more lesson related to the atoms. We will do in next sessions. तो जो lesson जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सैयद राशिद है और हमारे पास एक lesson था atoms, molecule and chemical reactions. ये हमने complete किया था. उसी से related एक और lesson रहेगा atoms से related. वो हम हमारे आने वाले sessions में करेंगे. और this also will be going to uploaded to your YouTube channel Ahle Bait High School and Junior College. और ये जो लेसन्स है पूरे कम्प्लीटली यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगे. तो नाउ कमिंग टू द स्पीकिंग अबाउट द फ्लोटिंग बॉडी. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोटिंग बॉडी? इज फ्लोटिंग इज नथिंग बट इन आवर ओन लैंग्वेज लाइक इफ वी आर पुटिंग समथिंग इन द वाटर, इट विल नॉट गोइंग टू डीप और सिंक. इट हैव टू फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर. हमारी नॉर्मल जबान में हम फ्लोटिंग किसे कहते हैं? अगर हम कुछ चीज़ पानी के अंदर डालेंगे तो पानी के ऊपर के जो हिस्सा है सर्फेस उस पर तैरेगी, डूबेगी नहीं. उसी को हम फ्लोटिंग बॉडीज कहते हैं. तो फ्लोटिंग बॉडी को लेके बहुत सारे चीज़ें वैसे तो हमारे पास है. लेट अस बिगिन आवर चैप्टर. यू मस्ट हैव नोटिस दैट समथिंग फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड समथिंग श्रिंक इन इट. डिड यू पार्टिसिपेंट इन द एक्टिविटी फ्लोटिंग एंड श्रिंकिंग इन द लेसन ऑन मटेरियल्स इन क्लास 6? इफ यू सो यू माइट हैव वंडर्ड एज टू व्हाई सम ऑब्जेक्ट व्हिच यू एक्सपेक्ट वुड श्रिंक फ्लोट ऑन द वाटर. डिड यू टेक वन ऑफ दोस ऑब्जेक्ट दैट फ्लोस ऑन द वाटर एंड ट्राई टू सी इट इज फ्लोट ऑन केरोसिन और कोकोनट ऑयल. अब देखिए, आप लोगों को नोटिस करे होंगे आप, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वाटर की सरफेस पे क्या होते हैं, फ्लोट होंगे. ठीक है, वेर एज सम ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, आपको सिंक हो जाएंगे. सिंक यानी कि डूब जाएंगे. तो आप अगर क्लास 6 की साइंस में एक यानी कि एक्टिविटी थी हमारी, अगर वो पार्टिसिपेट किए हैं अगर आप उस एक्टिविटी में, तो आप वो जान के वंडर्ड हो जाएंगे. कुछ चीज़ें ऐसे रहते जो आप लोग सोचते कि शायद वो डूब जाने चाहिए यानी कि सिंक हो जाने चाहिए, लेकिन वो क्या होते, फ्लोट हो जाते हैं. तो ये क्यों हो रहा, यानी व्हाट इज़ द थिंग बिहाइंड दिस. एंड वन मोर क्वेश्चन इज अराइज, अगर ये सेम अगर हम पहले फ्लोटिंग वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट करें, फिर सेम ऑब्जेक्ट्स को लेके अगर हम केरोसिन के साथ करें, यानी कि केरोसिन के अंदर उसको फ्लोट कराएंगे या फिर श्रिंक कराएंगे, उसके साथ साथ सेम ऑब्जेक्ट को हम कोकोनट ऑयल के साथ भी करेंगे, तो क्या होगा? सो लेट अस सी, हैव सम फन, थोड़ा सा लिटिल फन देखेंगे. टेक अ बॉइलिंग ट्यूब एंड फिल अबाउट हाफ ऑफ इट विथ वाटर, एड 15 to 20 mL ऑफ केरोसिन टू द वाटर, ड्रॉप इन वन बाई वन प्लास्टिक बटन ड्रॉप, पिंस ड्रॉप्स, मैच स्टिक्स ड्रॉप्स, सम पेबल्स ड्रॉप्स, टैनी पेपर्स ड्रॉप्स, सम सैंड ऑल्सो वी हैव टू पुट. क्लोज द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एंड शेक इट वेल, वेट फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व वॉट हैपन्स. अब आपको क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब ले लेना है. इसके अंदर बॉइलिंग ट्यूब ले लेके क्या करिए कि हाफ उसकी जो आधी बॉइलिंग ट्यूब है वो पूरा वाटर से फिल कर देना है. आफ्टर दैट यू हैव टू एड लाइक 15 to 20 mL ऑफ केरोसिन. केरोसिन आपको ऐड कर देना है. ऐड करने के बाद क्या करिए, आप कुछ मटेरियल्स जो होते हैं यानी ड्रॉप कर दीजिए वन बाई वन. फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो प्लास्टिक बटन ड्रॉप कीजिए आप, ओके, BUTTON, होप यू कैन सी. सेकेंड अगर आप देखेंगे तो आप कुछ पिंस ड्रॉप कीजिए. थर्ड पे आप कुछ मैच स्टिक्स ड्रॉप कर सकते, STICK. फोर्थ पे अगर आप चाहे तो कुछ टाइनी पेबल्स, पेबल्स इज नथिंग बट कुछ आप स्टोन्स ड्रॉप करिए. ठीक है, नेक्स्ट पे आप सैंड ड्रॉप कीजिए. नेक्स्ट 6 वाले पे आप क्या कीजिए, टाइनी पेपर्स. सो एक्सेट्रा एंड ऑफ दी थिंकिंग कैपेसिटी, यानी कि अलग अलग चीज़ें आपको ड्रॉप करने हैं जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा. उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है. तो ड्रॉप करने के बाद वन मोर थिंग यू हैव टू डू, लाइक ये जो कंप्लीट टेस्ट ट्यूब है या बॉइलिंग ट्यूब इसे हम कहते हैं, उसको शेक करना है अच्छे से. शेक वेल. शेक करने के बाद ऑब्जर्व करिए वो क्या होगा. नाउ फ्यू क्वेश्चंस अराइज, थोड़े क्वेश्चंस उठेंगे. ये क्वेश्चंस मैं आपको यानी रीड करते हुए आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ. डिड केरोसिन फ्लोट अबव द वाटर और डिड वाटर फ्लोट्स अबाउट द केरोसिन.
विच ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन केरोसिन, विच ऑब्जेक्ट श्रिंक इन द केरोसिन बट फ्लोट ऑन वाटर, विच ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ट्यूब शोइंग द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटी, वाई डिड डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंटली. वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. यू नो दैट इफ अ ग्लास मार्बल एंड अ स्मॉल वुडन पीस आर ड्रॉप इन वाटर, द ग्लास मार्बल सिंक इन द वाटर बट अ स्मॉल पीस ऑफ वुडन फ्लोट ऑन इट. डू यू नो वाई दिस हैपन? वी थिंक दैट अ मार्बल सिंक्स इन वाटर बिकॉज इट इज हैवी, वाई द पीस ऑफ वुड फ्लोट बिकॉज इट इज लाइट. नाउ टेक अ वुडन ब्लॉक विच इज हैवियर देन द मार्बल एंड पुट इट इन वाटर. वॉट हैपन? वाई डज द वुडन ब्लॉक फ्लोट ऑन वाटर इवन दो इट इज हैवियर देन अ मार्बल? वॉट डू वी मीन बाई हैवी? वॉट डू वी मीन बाई लाइट? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे थे, ये जो मैटर मैं रीड कर रहा था, यहाँ पे फ्यू क्वेश्चंस अराइज हुए. ऑलरेडी यू हैव सॉ द मैटर कम्प्लीटली इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इन हिंदी. पहला सवाल यहाँ पे ये बोल रहा था कि क्या केरोसिन वाटर के ऊपर फ्लोट होता या वाटर केरोसिन पे फ्लोट होता, पहला क्वेश्चन. सेकंड, कौन सा ऑब्जेक्ट केरोसिन के ऊपर फ्लोट हो रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट केरोसिन के अंदर श्रिंक हो रहा लेकिन वो वाटर के ऊपर फ्लोट रह रहा. थर्ड पॉइंट बताया जा रहा, विच ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर एंड ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ट्यूब शोइंग द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटी, यानी कि एक कंप्लीट ट्यूब का डायग्राम उतारिए, आपकी जो भी आप एक्टिविटी करें वो उसमें शो होना चाहिए. तो अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन ये बताया जा रहा कि अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग बिहेवियर क्यों कर रही. तो इस ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए हमारे को ये चैप्टर आगे बहुत सारा पढ़ना पड़ता. अगर आप एक ग्लास मार्बल लेते हो, ठीक है, यानी कि एक ग्लास मार्बल आप लेंगे, साथ ही साथ आप एक वुड पीस लेंगे, जब आप दोनों ही वाटर के अंदर इंसर्ट यानी कि पुट करोगे तो ग्लास जो होगा वो सिंक हो जाएगा, वेरास आपका वुड यहाँ पे फ्लोट रहेगा. तो आप बोलेंगे हाँ होगा बेशक सर, क्योंकि ग्लास यूजुअली हैवी रहता और वेरास आपको वुड जो है लाइट रहता, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा. तो यहाँ पे आंसर ये है कि इट इज़ नॉट लाइक दिस. अब एक केस क्या करिए, आप एक सेम ऐसा वेट ले लीजिए जहाँ पे आपको जो वुडन होता है वो थोड़ा सा हैवी रहना चाहिए वेट के हिसाब से एज़ पर दी मेज़र ऑफ वेट, और जो ग्लास है वो आपको वुडन से थोड़ा सा लेस हैवियर होना चाहिए. फिर आप अगेन वाटर पे करिए ड्रॉप, तो क्या होगा, अगेन ग्लास ही आपको सिंक हो जाएगा, वेरस वुड तो आपको फ्लोट ही रहेगा. तो इसके बारे में हम आगे अगर पढ़ेंगे तो इसके आंसर समझने आएंगे. जस्ट नाउ व्हेन आई वॉज रीडिंग आई केप्ट दिस मैटर ऑन योर स्क्रीन, दोज हु आर कम्फर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज दे कैन गो थ्रू इट. नाउ कमिंग टू दी एक्सप्लेनेशन पार्ट इन हिंदी. अगर हमको इसके रिजल्ट्स के बारे में समझना है एक्टिविटी के, तो हम आपको अंडरस्टैंड होना होगा दो वर्ड के मीनिंग के. एक वर्ड है हमारे पास हैवी और दूसरा है लाइट वर्ड, ठीक है. अगर चेके हम बोलेंगे 2 kilograms ऑफ वुड क्या है, हैवी है 1 kilograms ऑफ लाइक आयरन से, यानी कि जो 2 kg ऑफ वुड है, ठीक है, हैवी है किससे, हैवी है 1 kg ऑफ आयरन से. तो मतलब क्या है इसका, क्या है, और एट द सेम टाइम हम क्या कर कह रहे हैं कि आयरन क्या होता, हैवी होता वुड से. दैट इज़ दो स्टेटमेंट्स हम दे रहे हैं, आयरन इज़ हैवियर, HEAVIER, हैवियर देन वुड. तो इसका मतलब क्या है, देखिए सिंपल स्टेटमेंट में हम देना. अब ये दोनों का स्टेटमेंट में डिफरेंस ये है कि इफ़ वी आर वेट, अगर हम उसका वेट करेंगे एक कॉमन बैलेंस से, तो यहाँ पे वुड का जो है वेट बढ़ के रहेगा आयरन से. लेकिन आयरन अगर हैवी है वुड से, यानी कि अगर हम सेम वेट का ले लेंगे, यानी 1 kg ऑफ वुड ले लेंगे 1 kg ऑफ आयरन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन क्या होगा, हैवी होगा वुड से. तो आयरन क्या है, मोर डेंस है कंपेयर टू वुड. यानी डेंस वर्ड हम एक यूज़ करे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, याद है आपको, डेंस का मीनिंग मैं लिखाया था आपको, थोड़ा हार्ड होता या फिर सख्त होता बोल के, याद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ 4th chapter. तो डेंस यानी कि आयरन मोर डेंस है कंपेयर टू दी वुड, यानी कि ज़्यादा सख्त रहता. तो यहाँ पे एक डेंसिटी नाम का आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ आया है, 1 या 2 marks में आपको पूछ सकता व्हाट इज़ डेंसिटी. डेंसिटी इज़ नथिंग बट लुक एट दी वर्ड डेंसिटी. डेंसिटी का बहुत स्मॉल फार्मूला है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम.
और इसके यूनिट्स जो होते हैं, दो यूनिट्स रहते हैं, लाइक सेंटीमीटर, लाइक अगर हम ग्राम्स में मेजर कर रहे हैं तो ग्राम्स बाई सेंटीमीटर क्यूब होगा, या फिर नहीं तो केजी बाई मीटर क्यूब होगा। ये आपको डेंसिटी का, अगर आपको व्हाट इज डेंसिटी अगर वन मार्क्स में पूछ दिया तो आप लिखना द डेंसिटी इज द डेंसिटी इज गिवन बाई द मास पर यूनिट वैल्यू, इट्स यूनिट इज ग्राम्स बाई सेंटीमीटर क्यूब केजी बाई मीटर क्यूब, तो सिंपल रहता। तो अभी यहाँ तक हमारा डेंसिटी मेन चीज़ है, आपको समझने की ज़रूरत है। वी आर कंपेयरिंग डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ओके। सो टिल नाउ जस्ट यू नीड टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स, दैट वन थिंग इज सम बॉडी फ्लोट्स ऑन लिक्विड एंड सम बॉडी सिंक, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू रिमेंबर like what is density. Now we are doing one small activity related to the comparing density and relative density. We already know density. Now what is relative density? I will going to tell you what is relative density once we have done with this activity, okay. So take two test tube of same size, fill one to a brim with water and the other with oil, which will weigh more, which liquid is dense. Take two equal size block made up of wood and rubber, which of these two blocks is heavier, which one is dense. Now what you have to do, आपको करना क्या है, आप क्या करिए, टू टेस्ट ट्यूब्स है, ठीक है, टू टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आपको लिक्विड फिल करिए, ठीक है, लिक्विड यानी कि एक में आपको फुल वाटर फिल कर देना है और एक एक में आपको यानी कि ऑयल फिल करना है। ऑयल फिल करने के बाद आपको यानी कि कौन सा वाला ज़्यादा वेट करता, सपोज अगर यहाँ तक अगर मैं वाटर फिल करा और सेम यहाँ तक ही ऑयल फिल करा, वेट ज़्यादा किसके पास रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन, और कौन सा वाला ज़्यादा डेंस रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेट, हु हैज़ मोर वेट, एंड सेकेंड इज़ डेंस। डेंस ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया था कि डेंस इज़ नथिंग बट समथिंग नॉट सॉफ्ट, यानी कि थोड़ा जो हार्ड रहता उसे कहते। सेम टू ब्लॉक्स ले लीजिए आप, ठीक है, एक ब्लॉक्स क्या रहेगा आपको रबर का रहेगा और एक एक ब्लॉक रहेगा आपको सपोज यहाँ पे वुड का ले लेंगे, ब्लॉक का जो साइज होनी है सेम होना है, ये हो गया वुड का। तो अब दोनों में से वेट किसको ज़्यादा रहेगा और आपको डेंस क्या रहेगा, इसके लिए हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। When the volume of two object is unknown, it is difficult to tell which object is dense solely on the basis of their weight. One way to compare the density of object is to take equal volume of two objects and compare this weight, but this may not be possible for some solids. For this, we can use a simple method of comparing the density of each object with water. In the following activity, we shall find out how many times more dense each solid object is compared to the water. This is known as relative density of that object. देखिए, अगर कोई दो objects है आपके पास और उसका volume बिल्कुल unknown है, साथ ही साथ आपको ये difficult होगा कि कौन सा वाला ज़्यादा dense है मालूम करने के लिए, तो एक तरीका ये है कि अगर उसका volume अगर आपको पता है तो आप volume compare करके बता ले सकते, लेकिन कुछ solids के साथ वो exactly possible नहीं रहता। तो इसके लिए हम एक simple method use करेंगे, वो method क्या रहेगा कि हम उसको compare करेंगे density of water से, ठीक है, यानी कि जस्ट वी आर कंपेयरिंग द डेंसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट विथ वाटर, इन द फॉलोइंग एक्टिविटी वी शैल फाइंड, यानी कि हम फाइंड कर सकते कि हाउ मेनी टाइम डेंस है उन्हें सॉलिड व्हेन कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। सपोज अगर वाटर की डेंसिटी है वन लाइक सेंटीमीटर पर नॉट सेंटीमीटर या वन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, सपोज अगर कोई और ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसकी डेंसिटी हो सकता है 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, तो अब हम इन दोनों की डेंसिटी को कंपेयर करते हुए हम ये बोलेंगे कि अब ये वाटर है समझिए सपोज, ठीक है, ये कोई और ऑब्जेक्ट है ऑयल सपोज कर लेता हूँ मैं, तो अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा कि ऑयल इज डबल डेंस, यानी कि जितना लिक्विड यानी कि वाटर डेंस था देन वाटर, मतलब क्या है इसका कि ऑयल क्या है उससे डबल क्या होगा सख्त रहेगा कंपेयर टू दी वाटर। एग्जैक्टली आई एम टेलिंग द एग्जांपल, वी आई एम नॉट सेइंग दैट वाटर की डेंसिटी 1 रहेगी या फिर ऑयल की 2 रहेगी, फॉर एग्जांपल आई एम नाउ। अभी हम थोड़ा सा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का एक डेफिनेशन के जैसा लिख लेंगे, लुक एट द वर्ड रिलेटिव, ओके, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सा भी ऑब्जेक्ट है उसकी रिलेटिव डेंसिटी है वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ व्हाट वी हैव विद अस लाइक ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये हमारा मेनली
हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन, जैसा कि मैं अभी बोला था आपको रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन बताने के लिए। सो अगर आपको वन मार्क्स में पूछा व्हाट इज़ रिलेटिव डेंसिटी, मीन्स अ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई डेंसिटी ऑफ वॉट। टू नाउ वन मोर थिंग वी हैव टू गो हेड विथ, इज देर एनी यूनिट फॉर रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके यूनिट्स नहीं रहते, दैट मीन्स रिलेटिव डेंसिटी हैव डोंट हैव एनी यूनिट। रिलेटिव RELATIV रिलेटिव डेंसिटी हैव नो यूनिट्स, यानी कि इसके पास कोई भी यूनिट्स नहीं रहते। इज देर एनी थिंग एल्स विच डोज नॉट हैव यूनिट्स? कोई और भी हमारे पास कुछ फिजिकल थिंग्स है या क्वान्टिटी है जिसके यूनिट्स नहीं है? अगेन आपको फोर्थ चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही याद करना पड़ेगा। एक हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई यूनिट नहीं होता। तो अब समझिए, अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना है कौन से भी ऑब्जेक्ट की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। इन केस इफ यू डोंट नो द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जस्ट यू कैन कीप द डेंसिटी ऑफ वाटर, आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट। ओके, अब मैं थोड़ा सा रीड भी कर लेता हूँ, लिसन केयरफुली। टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी मस्ट फर्स्ट वेट द ऑब्जेक्ट एंड देन वेट एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। द टू वेट्स आर देन कंपेयर। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज डन, बट फर्स्ट चेक योर वेटिंग इंस्ट्रूमेंट। वी शैल हैव टू वेट ऑब्जेक्ट सेवरल टाइम सो योर इंस्ट्रूमेंट शुड फंक्शन प्रॉपरली। अब इस यानी कि रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, और इस एक्टिविटी में ख्याल रहे कि पहले आप जो भी आपका वेटिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि इस एक्टिविटी में हम आपको प्लेंटी ऑफ टाइम को कौन से भी ऑब्जेक्ट को वेट करना पड़ेगा, यानी रिपीटेडली हमको ऑब्जेक्ट को वेट करना पड़ता है। नाउ यू कैन सी अ थ्योरी पार्ट ऑन योर स्क्रीन एज वेल एज वन टेबल। आप आपके स्क्रीन पर एक टेबल और थ्योरी पार्ट भी देख सकते हैं कि आपने को एम क्या लिख ली है, हम फाइंडिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में हमने अलग अलग चीज़ें लिए, एक तो है ओवरफ्लो वेजिल है, नेक्स्ट है 50 ml मेजरिंग जार, वेटिंग बैलेंस एंड वेट और इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन, रबर इरेजर, वुडन ब्लॉक, ग्लास स्लाइड, आयरन नेल्स, प्लास्टिक क्यूब्स, पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट, ग्लास मार्बल्स, स्टोन्स, कॉक एक्सेट्रा। नोट, whatever object you take ensure that its volume is more than 20 cc and it should not be hollow. Record the result of your activity in table 1. Copy this table in your notebook. That means अब आप देखिए ये जो activity है इसके लिए क्या बताया जा रहा है कि एक ऐसी vessel जो overflow है ना, यानी कि liquid उसके अंदर overflow हो सकना, 50 ml measuring jar लेना है आपको और वेटिंग बैलेंस लेना है, या फिर वो जो वेट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन वेट हो या वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक। नेक्स्ट है आपको रबर इरेजर है, वुडन ब्लॉक, ग्लास लाइट एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ें लेने के लिए बता रहा। टेबल वन में आपको फॉर्म क्या हो रहा, सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर एंड सिलेंडर, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाई द ऑब्जेक्ट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें करना क्या है, देखिए एक डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आपको डायग्राम दिख रहा, एक ऐसा वेजिल लीजिए जो बिल्कुल ओवरफ्लो रहती है, यानी कि अगर उसको हम इवन 1 ग्राम भी अगर कुछ उसके ऊपर डालेंगे तो वाटर उसके अंदर से निकल के आना। तो आप ऐसा फ्लो ले लिए और उसके साथ एक आपने यानी कोई एक मेजरिंग जार ले लिया है जो 50 ml तक मेजर कर सकता, उसके अंदर पॉइंट्स लिखे हुए रहते। तो सबसे पहले आप कौन सी भी एक चीज़ को सीरियल नंबर 1 लिख के रबर लिखे, रबर लिख के आप डाल दीजिए, तो नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट रबर आपने लिख लिया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेट ऑलरेडी हम पहले कर लिए थे, वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर एंड सिलेंडर मतलब क्या है, जितना पानी हम आपको निकला था, पानी और यानी कि सिलेंडर का दोनों का एक साथ वेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाई ऑब्जेक्ट, ये कैसा निकालना है आपको, जो वाटर बाहर की तरफ निकला उसका वेट, फिर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इससे आप रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते। तो इस तरीके का एक प्रोसीजर रहता जो एक यानी कि एक प्रॉपर प्रोसीजर है, थोड़ा सा यानी कि आपको लेंदी रहता, इसको आपको फॉलो करते हुए आप एक ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते। ये आंसर आपको याद रखना है और साथ ही साथ लिख लेना है। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। आज के सेशन या क्लास में इतना काफ़ी है। वी विल गोइंग टू लर्न सेम लाइक फ्लोटिंग बॉडीज फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 9 इन आवर नेक्स्ट सेशंस और नेक्स्ट क्लासेस। मेक श्योर टिल देन
लिसन माई लेक्चर, यूज टेक्स्ट बुक एंड राइट द थिंग विच आई रिकमेंड. यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल नेम एस अहले बैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज. आई एम सैयद राशिद, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. मेंटेन नोट्स, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम. थैंक यू.